subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ग्वालियर से सामने आ रही है बड़ी खबर। ग्वालियर में युवा छात्र छात्राओं ने कृषि महाविद्यालय के सामने बड़ी संख्या में व्यापम घोटाले से परेशान होकर मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि हेतु पिंडदान यज्ञ किया गया है। छात्र छात्राओं का मानना है मध्य प्रदेश सरकार घोटाले करवा रही है। चल रहे व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश सरकार का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार हो रहे हैं व्यापम घोटाले। कर रहे हैं 10 और 11 फरवरी को जो पीईटी का हमारा एग्जाम हुआ था, इसमें पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक का मामला ये था कि पेपर छात्रों को उनको मिला है जिनको ABCD भी नहीं आती है, उनके नंबर 198-95 आ रहे हैं। व्यापम कह रही है संयोग, संयोग एक आध का होता तो चल जाता कि ये संयोग है। एक तो पीएटी के फर्जी, ऊपर से इसमें टॉपर, कॉलेज में 8-8 साल में इनकी डिग्रियां हुई हैं, उसके बाद भी इतने सारे संयोग कैसे मिल रहे हैं। और व्यापम ने जिस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए टेंडर दिया था, वो खुद कंपनी कई बार संलिप्त पाई गई है पेपर लीक के मामले में। और ये जो पेपर लीक हुआ है, इस पर आज तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं ले रही है। वैसे हमारा प्रशासन का और सरकार का पूरा भरोसा है कि ये लोग कार्रवाई करेंगे, और हम लोग अभी सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, और अगर इन्होंने नहीं किया तो हम लोग पूरा भर जोर आंदोलन करेंगे। हम लोग अभी कुछ छात्र हैं जो हम सांकेतिक कर रहे हैं कि सरकार को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। और आज हम लोगों ने सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया था और व्यापम का पिंडदान। भैया व्यापम जैसी संस्थाएं हैं ना, इनको तो बंद कर देना चाहिए। और सरकार क्या सो रही है? जब व्यापम खुल के घोटाला कर रही है तो शिवराज मामा तो वैसे छाती ठोकते ही छप्पन कहाँ रही है। एक छोटी सी संस्था इतना बड़ा घोटाला कर रही है। हमारा मांग यही है कि इसकी जांच हो और इसमें जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाए। और एक भी आदमी इसमें ऐसा नहीं है जो